करने जा रहे हैं स्टार परिवार के, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि नंबर वन एंटरटेनिंग चैनल है ये, तो काफी अच्छा लग रहा है, उसके लिए हम काफी मेहनत भी कर रहे हैं सीना। नहीं बट बेहद खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला है, इसलिए हम लोग बस पूरी जान लगा रहे हैं टू ट्राई एंड गिव द बेस्ट। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश है हमारी। एक्चुअली हमारी जो पूरा एक्ट है इसमें चार टोटल गाने हैं और तीन डिफरेंट फेस्टिवल के ऊपर है ये पूरा एक्ट हमारा, तो हमारा जो है इज ऑन दिवाली और दूसरे जो हैं वो कर रहे हैं एक होली पे कर रहे हैं और एक ईद पे कर रहे हैं एंड लास्ट में गणेश चतुर्थी पे हम सब जितने भी कपल्स हैं, तीन कपल्स हैं, वो सब मिलकर गणेश चतुर्थी पे भी परफॉर्म। उम्मीद ये है कि हमें परिवार की तरह एक्सेप्ट किया है स्टार परिवार ने, तो हमें उतना ही प्यार मिले जितना दूसरे सदस्य को मिलता है, क्योंकि हम नए सदस्य हैं, हम इसी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें और हमने भी स्टार परिवार को, पूरे परिवार को एक्सेप्ट किया है और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें ढेर सारा प्यार मिले भी। जी हाँ, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब स्टार परिवार अवार्ड्स हो रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू। हर साल स्टार परिवार अवार्ड्स एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है हमारे लिए, जहाँ हम सब जो स्टार परिवार के लोग हैं एक साथ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप दैट हैपेंस। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, और ये थोड़ा स्पेशल भी है क्योंकि ये 15th ईयर होगा स्टार परिवार अवार्ड्स का। वी वर पार्ट ऑफ द 10th एंड वी आर स्टिल हियर एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी कि आज भी लोग हमें इतना पसंद करते हैं, जो हमारा शो आज भी इतना पॉपुलर है। सो वी हैव अ कपल ऑफ परफॉर्मेंसेज, वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आपके, तो आपको हम ही उम्मीद करेंगे आप। वेल देखिए, अभी काफ़ी नए नए शो भी आ गए हैं एंड नए नए टैलेंट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स उनको मिलना चाहिए। हम लोग वहाँ पर हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है, एक्टिंग की प्रशंसा फिर से होती है, अगर हमें अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, बट इट्स ऑल ओके, इट्स बीन सो लॉन्ग, एक ही शो के लिए बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, लेकिन हाँ स्टार परिवार में एक बार फिर अगर मिलता है तो अच्छा लगता है, बट देयर लॉट ऑफ अदर टैलेंट एंड आई होप द बेस्ट एक्टर विंस दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद डेली सोप्स देखता नहीं हूँ, तो मुझे अपने शो के अलावा कोई और पता ही नहीं है, बट जिनको मैं जानता हूँ, पहले गौतम रोड़े को बहुत अच्छे से जानता था, वो भी चले गए, एंड आई थिंक ही ऑल्सो एक्ट्स वेरी वेल, सूरज है, करण है, पटेल है, सो काफ़ी कंटेंडर्स हैं एक्चुअली एंड दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, ऑल ऑफ अस एक्चुअली, सो लेट्स सी। इट्स बहुत मज़ा आएगा, स्टार परिवार हमेशा ही बहुत मज़ेदार होता है, पूरे साल वेट करते हो कि स्टार परिवार होगा, कुछ नया होगा, कुछ मज़ेदार होगा, खास करके ये जो स्टार की टैगलाइन है रिश्ता भी ही सोचने, हर बार जैसे पिछली बार मैंने अपने वीर जी के साथ परफॉर्म किया था, इस बार बी जी के साथ कर रही हूँ, कोई सोच नहीं सकता कि माँ बेटी कैसे सॉन्ग पर डांस करेंगी। हर बार होता है ये बहुत स्लो सा सॉन्ग है, माँ बेटी एक दूसरे को शायद कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या माँ अपनी बेटी को डांट रही है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मामा को, अपनी ऑन स्क्रीन बीजी को वर्ल्ड टूर कराने लाई हूँ, सो मैं उन्हें एक जगह लेकर गई हूँ जो हिंदुस्तान के कल्चर से बिल्कुल अलग है, तो हम माँ बेटी मस्ती करेंगे। मुझे लगता है कुछ चीज़ें बातों में ही रही तो अच्छा है, वो हकीकत में होने नहीं वाली है। मैं जानती हूँ नया सदस्य होना, परिवार में सबसे छोटे होना, पहला स्टार परिवार होना कैसा लगता है, बहुत सारी शुभकामनाएं, वेलकम। सबसे बड़ा वाला स्टार परिवार उनके लिए पहला वाला स्टार परिवार होगा। मुझे याद है पिछले साल जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, हम पोलैंड में शूट कर रहे थे, जिस दिन हमारी फ्लाइट लैंड की उसी दिन स्टार परिवार था, मैंने पूरे फंक्शन की तैयारी पोलैंड में की, 12 घंटे शूट करने के बाद स्केटिंग प्रैक्टिस करती थी, जबकि मुझे स्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैं बस इसी कॉन्फिडेंस में जी रही थी कि चलो मैं कुछ तो ज़रूर करूँगी, एंड हमारी परफॉर्मेंस लाइव थी तो ऐसा लग रहा था जो है भगवान के हाथ में, बस चले जाओ। सो आई थिंक फन, एक्साइटिंग, मज़ेदार फीलिंग होती है। इनफैक्ट जब आप परफॉर्म करते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। लोग ना ही मुझसे कभी मिले हैं, ना ही आपने मुझे पहले कभी देखा है, ना ही आपने मुझसे आमने सामने बात की है, पर फिर भी इतना लगाव, इतना अटैचमेंट, इतना जुड़ाव, मुझे लगता है शायद ये सगे संबंधियों में भी नहीं होता है, जो आप लोगों ने दिया है। सो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहती हूँ इस प्यार को, ये प्यार, ये अटैचमेंट, हमारा ये जुड़ाव हमेशा कायम रहे, यही दुआ करती हूँ भगवान से। और जो कुछ भी है, जो मुस्कुराहट है आपके कारण है, मुझे लगता है कि जो मेरा काम है एंटरटेन करना, आप लोग जो हाफ एन आवर हमें देते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सो उसके लिए थैंक्स, और आई जस्ट होप मैं आपको हमेशा एंटरटेन। मुझे लगता है अक्षरा, क्योंकि इतने सालों से, इतना लंबा समय स्टार परिवार के साथ उन्होंने तय किया है,
और हर बार जैसे कि उनकी स्टोरी भी है, बेस्ट पत्नी रहना, हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। सुशी से थैंक यू। वो भी आई यहाँ जैसे मुस्लिम हुए थे तुम लोग, सलाम है तेरे दिन से, पसीना आ रहे, कुछ नहीं पता तुम्हें। मैं हॉस्पिटल में क्या पता है मेरा, मेरी तारीफ करनी चाहिए कि बेचारी आई। मैडम हॉस्पिटलाइज थी और आज इतने दिन बाद आके मैडम ने एक दिन में सब सीख लिया है, ऐसे फिर नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो गोपी की मेहनत रंग लाई है, आज परिवार पूरा आया है, रंग लाई है, दो बेटी है, नो डाउट। अच्छा यहाँ में पूरा परिवार डांस कर रहा है आप लोगों के साथ में, क्या अभी स्टेज पर तो पता नहीं चलता, यहाँ पे मालूम चला कि कौन बेस्ट डांसर है, मतलब इतने सारे एक्शन में परिवार है, सारे अच्छे हैं, माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बच्चे प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, इतने बेस्ट निकलेंगे, सबको फैमिली है, फैमिली तोड़ फोड़ करने वाली, बस जो हमारी फैमिली तो बेस्ट निकलेगी देख लेंगे। स्टार परिवार अवार्ड के लिए क्या कहेंगे इस बार? जैसे अभी काफी काफी नए चेहरे भी हैं, बिकॉज़ नहीं आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं कई साल, हम अपने ओरिजिनल बच्चे भी इसी शो में रहते हैं, मतलब आप लोग चाह रहे कि जो नए पीस है उसमें से जो आपके बच्चे उन वही वही आराम करते हैं। दिन कोई बात नहीं, एक 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 आधे बच्चे को तो दिखाऊं बेटा, देखो स्टार परिवार तो ये होने वाला है। थैंक यू।